ये देखें दोस्तों, सामने जो रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे गाइस, ये देखें कितना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, और ये सारा बम्बू से बना हुआ है दोस्तों। ये देखें यहाँ पे आपको, ये है पेट्रोल पंप जो है दोस्तों जाट वालों का, जो भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई उनके हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये देखें सामने वो है अपना जो, नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, कैसे सब बढ़िया होंगे दोस्तों, एक नई वीडियो में वेलकम करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं दोस्तों वीडियो के थ्रू, जो जाट के नाम से जो पेट्रोल पंप है और होटल भी बनी हुई दोस्तों, ठीक है। तो वो कितने उसकी मतलब जो इनकम है और कितने का उसका पेट्रोल पंप बना हुआ दोस्तों, और उसके जो पिताजी का नाम था वो है मोहन लाल जाट दोस्तों, उनका गाँव भी बना हुआ है, वो भी खूबसूरत गाँव है दोस्तों। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ कि हम उस गाँव के अंदर गए नहीं थे, हमें इतने पास टाइम नहीं था हमारा, तो सिर्फ हमने जो होटल का जो है वहाँ का जो व्यू लिया और जो पेट्रोल पंप है वो दिखाया दोस्तों, ठीक है। तो उनके जो अंदर होटल है वो कैसी बनी हुई और किस डिज़ाइन से बनी हुई दोस्तों, वो वीडियो के थ्रू आज आपको पूरा दिखाने वाले दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंड तक जुड़े रहना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और लाइक करना, और हमारे एक आपको प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा उस होटल के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो हम वहाँ पर गए थे दोस्तों, क्या है कि हमें तो पता नहीं था कि ये जाट का जो होटल है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी थी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमारा जो सफ़र बहुत लंबा था। तो वहाँ पहुँचे और जैसे हमने वहाँ पर मतलब वहाँ पर कुछ लेट लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार क्यों ना यहाँ पे चाय पी लें, और साथ साथ गैदरिंग भी हो जाएगी, और कुछ मतलब जो है यहाँ पे जो होटल है जो वगैरह है वो भी वहाँ आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो वो दिखाई हमने, वो होटल पूरी दोस्तों बम्बू से बनी हुई है, बम्बू वो जो बांस जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसी के थ्रू मतलब वो होटल पूरी बनी हुई है। उसका डिज़ाइन देखेंगे दोस्तों, इतना खूबसूरत डिज़ाइन है मैं क्या बताऊँ आपको दोस्तों, ठीक है। तो उसके बराबर में उसका मतलब गाँव बना हुआ है, लेकिन उसके गाँव के अंदर हम नहीं गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था दोस्तों, ठीक है। फिर हमने जैसे पूछा कि भाई ये होटल किसकी बनी हुई है और किस नाम से है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो वेटर थे उन्होंने बताया कि भाई ये होटल है जाटों की है दोस्तों, ठीक है। जाट जो हमारे हिंदू भाई हैं, जाट है, हिंदू से मतलब रिलेटेड हैं वो, तो उनकी ये होटल है, और इनके जो पिताजी का नाम था मोहन लाल जाट, ठीक है। तो उनका बोल रहे हैं गाँव भी बना हुआ है, वो नज़दीक ही बना हुआ है, लेकिन क्या आपको बताया इसी वजह से, ठीक है दोस्तों। तो हमने बहुत अच्छा लगा हमें, और वहाँ का फिर हमने एक मतलब वीडियो जो व्यू वो हमने किया, मैंने कहा यार आपको दोस्तों तक पहुँचाएं और आपको दिखाएं कि वहाँ के जो कैसी होटल बनी हुई है और कैसी नहीं बने दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, वीडियो को एंड तक जुड़ना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। सो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। फाइनली हमें जो स्टाफ था वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ अभी, तो ये हमारा स्टाफ है, यहाँ से जो छाछरों बस के जो जाती हैं बस वगैरह, तो यहाँ से भी वो दिखाएंगे दोस्तों। तो ये सामने जो पेट्रोल पंप बना हुआ है, और ये है दोस्तों यहाँ पे देखें, तो ये सामने है जाट पेट्रोलियम सर्विस, और दूसरा सो वो सामने जो होटल बनी हुई है वो भी है यहाँ पे दोस्तों, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दुकान वगैरह बनी हुई, छोटा सा स्टाफ है, जो हम नाइट यहीं पर रहते दोस्तों, ठीक है। तो अभी और चलते हैं आगे, और वो भी आपको जो होटल वगैरह है वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये है पेट्रोल पंप जो है दोस्तों जाट वालों का, जो भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई उनके हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये देखें सामने वो है अपना जो, सो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, एक होटल बनी हुई है जाट होटल की, देखो सो। तो अभी आपको होटल भी दिखाएंगे अंदर से, होटल कैसे बनी हुई है दोस्तों। तो जैसे अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, तो ये देखें दोस्तों सामने जो रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पर गाइस, ये देखें इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, और ये सारा बम्बू से बना हुआ है दोस्तों। ये देखें यहाँ पे आपको अंदर से भी दिखा सकते हैं, वाह सो ब्यूटीफुल। ये देखें गाइस कितना प्यारा बना हुआ है ये होटल जो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखें गाइस यहाँ पे वाह, ये सारा गाइस बम्बू से बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस होटल से पूरा अपना हुआ है। यहाँ पे बैठे थे, मैंने कहा थोड़ा सा व्यू यहाँ पे क्या दिखा दें, ये भाई की है यहाँ पे दर्जी की दुकान है। राम राम भाई, क्या नाम है भाई आपका? रोशन। रोशन क्या काम करते हो आप? दर्जी का। दर्जी का फुल कारीगर हो या अभी नहीं? नहीं अभी तो नहीं। अभी नहीं हो, अभी काम मतलब सीख रहे हो जी? अच्छा, तो यहाँ पे खड़े हैं हमारे केवल भाई। केवल भाई राम राम। राम राम। आप तो फुल कारीगर है ऐसी या नहीं? फुल कारीगर। अच्छा अभी कितने का जोड़ा चल रहा है यहाँ पे? अभी तो 700-800 चल रहा है। 700-800 रुपए का जोड़ा। अच्छा जिस डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है या सिंपल के ऊपर? डिजाइन के ऊपर। अच्छा एक मिसाल तो सिंपल है 700 का। हाँ 1000-1200 का डिजाइन में कैसा? अच्छा ये जो डिजाइन लगा हुआ ऐसे वो मतलब
1200 रुपए का है। और सिंपल सिंपल 700-800 रुपए। सिंपल 700-800 रुपए का है। महंगा ही होते हैं आज। अच्छा, इसमें मतलब आपकी लाइट के भी बिल होते हैं। अच्छा, मसवाड़ भी होती है इसकी, फिर काज भी होता है, सब कुछ इसके आप ही मतलब डिपेंड करता है। अच्छा, एक जोड़ी बनाते कितना टाइम लगता है आपको? आधा घंटा। आधे घंटे में तैयार कर लेते हो, इसमें बटन वगैरह सब कुछ लगा लेते हो? वाह भाई, तो ये है हमारे भाई की यहाँ पे बनी हुई दुकान। ये देख लेते हो, ये डिज़ाइन बना हुआ है और ये मशीन सारी लाइट पे चलती है। वाह भाई, ये देखें दोस्तों, ये छोटी सी बनी हुई उनकी। और ये भी गाइस एक अपने भाई की है, जो सर्दियों के टाइम में ये सेल करता था, तो अभी उन्होंने बंद कर दिया है शॉप्स वगैरह। और इसके साथ क्या है ये देखें दोस्तों, ये मिट्टी के जो घड़े बोलते हैं, अभी ये ज़्यादा चलते हैं दोस्तों, तो इसी की भी सेल करते हैं भाई हमारे। ये देखें यहाँ पे सामने पड़े हैं, जिसमें ये मिट्टी के हो गए, ये बड़े घड़े हैं जो घड़े बोलते हैं, और ये छोटे हो गए वो तोलड़ी हम बोलते हैं दोस्तों, वो पड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आप, ये हमारे हिंदू भाई की छोटी सी शॉप बनी हुई है यहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, दोस्तों जाट के यहाँ पे छोटा सा स्टॉल बना हुआ है, वहाँ का है दोस्तों। ये देखें, ये इनके मतलब यहाँ पे है, ये सेल करते हैं, और इसके साथ ये छोटी सी दुकान वगैरह बनी हुई है दोस्तों। और गाइस ये मशीन है जो जुकी जुकी कितने की होगी ये तकरीबन? ये अभी होगी 35,000 की। 35,000 की न्यू? ये न्यू ली थी आपने? नहीं, चली हुई थी। चली फिर कितने की मिली थी आपको? 22,000 चली हुई, 22,000 की, और ये न्यू 35,000 की। अब ये सही चल रही है आपकी? तो ये देखें गाइस, अच्छा ये मतलब लाइट पे भी है और ऐसे भी है। अच्छा, ये पूरा सेट मिला था आपको या अलग अलग दिया? ये पूरा सेट मतलब जो है। और वो पीछे वाली वो कितने की है? वो भी जो की है वो कितने की है? अच्छा, इसमें डिज़ाइन में थोड़ा चेंज है या सेम है? सेम है, पर कलर है। अच्छा, वाह भाई, ये देखें गाइस ये है। तो आप बताना कि वहाँ पे आपके पास कौन सी मशीनें ज़्यादा अच्छी चलती हैं, क्वालिटी की होती है दोस्तों। हमारे पास तो ये ज़्यादा है, जो होते हैं दर्जी भाई यही रखते हैं ज़्यादातर। यही आपके पास हो ज़्यादा ये चलती है, वो दूसरी भी चलती है? ये ज़्यादा चलती है ना। तो आपके पास कितने शागिर्द रखे हुए हैं अभी? अभी चार शागिर्द हैं। चार में मतलब फुल दर्जी हैं अभी? एक कारीगर है फुल। हाँ, तो सीख रहे अभी काम। ये वाला सामने बैठा है जो राजू भाई, फुल कारीगर है? अच्छा, आप कितना बना लेते हो भाई एक टाइम जो होता है कपड़े का जोड़ा? जी, एक दिन में 5-6 सूट बना लेते हैं। 5-6-7 जोड़ी आप? जी। रियली? फिर आपकी मतलब कितनी दिहाड़ी पड़ जाती है? लेकिन अभी कारीगर के हिसाब से हम यहाँ पर 200 रुपये के एक सूट बनाते हैं, 200 रुपये सूट, 5 सूट के अभी 1,000 रुपये बनते हैं। मतलब ये 800-900 हमारी दिहाड़ी बना रोज की बन जाती है। रोज की 800-900 रुपये, फिर आपका घर का गुजर होता है? हाँ होता है। अच्छा चल रहा है ना। अभी फिर महंगाई के हिसाब से बात की जाए तो? महंगाई के हिसाब से बात की जाए तो लेकिन नहीं चलता, लेकिन क्या करें, मजबूरी। अच्छा, शादी की है आपने? नहीं, शादी नहीं। अब फिर आपको पता नहीं है अभी आपकी हुई है? आपको पता है 800-900 में होता है? नहीं होता है ना, खर्चे भी बहुत है महंगाई के हिसाब से बात की जाए तो। तो अभी भाई ये बोल रहे हैं 800-900 में इसका गुजारा हो जाता है, क्योंकि ये अभी सिंगल है। जब इसकी मैरिज होगी फिर पता चलेगा। और आपकी अभी भी सिंगल हो? एंगेज वगैरह नहीं की हुई? वाह भाई, तो फिर सही है भाई, अभी सिंगल हो को पता नहीं है कि महंगाई में किस दौर से हमें गुजरना पड़ता है। ऐसे भाई हमें पता है, हम जो शादी की हमें सब पता है कि कैसे दौर से गुजरना पड़ता है भाई। तो ये भी देखें दोस्तों, यहाँ पे ये स्त्री वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे कपड़े वगैरह जो होते हैं। अच्छा, ये बुक क्या है, क्यों रखा हुआ? नाप। अच्छा, ये नाप? अच्छा, ये नाप मतलब सब इसके अंदर जो मतलब जोड़े वगैरह भी लिखने पड़ते हैं इसमें से ना। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा इनवर्टर का सेट बना हुआ है पूरा दोस्तों। ठीक है, और ये है छोटी सी इनकी दुकान है, यहाँ पे अभी बनी हुई है भाइयों की। चलो भाई, अच्छी बात है कि गुजारा हो रहा है घर का। ठीक है दोस्तों। हाँ, अच्छा ये डिज़ाइन है? वाह, अच्छा ये सिर्फ आपको ये वालेगा या इसमें ये जो बटन लगे हुए हैं वो? 40 रुपये का एक बटन है। अच्छा, इसमें फिर तो ये मेरे ख्याल में टूट जाते होंगे? नहीं, फिर लॉक है। अगर मैं सर जाए, और ये वाले लगे नहीं? ये कितने का है? पैकेट पूरा? अच्छा भाई, मैं भी जोड़ा ऐसा सिलवाऊंगा, वो सामने जो लगा हुआ है डिज़ाइन वाला वो। ये देखें दोस्तों,